सारे राजा जी आके क्रोकोडाइल वगैरह पकड़ा करते थे। और ये सामने जहाँ पे ये जवानी दीवानी की छुट्टी हुई, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे सामने चकटी का चबूतरा है। उदय सिंह जी ने बीच में बसाया साहब, तो मुगल अंदर आए रस्ते का नॉलेज नहीं, आदिवासियों को रस्ते का नॉलेज, खान पान का नॉलेज, लड़ने में तेज, भाइयों से ज्यादा वफादार, उनका लीडर चुना साहब, जो शुरू से अंतिम दौर तक महाराणा के साथ वफादारी से लड़े साहब। मुगल अंदर आए वो गोरिल्ला पद्धति किसे यूज करते, अंदर चले जाते, मुगल परेशान हुए तो यहाँ के महाराणा के साथ महाराणा की शर्तों पर समझौता किया, महाराणा ने मुगल शासन नियमों को फॉलो नहीं किया। पीछे का व्यू है, ऐसा है कुछ मंदिर काफ़ी अच्छा बना रखा है। और एक और चीज़ थी कि जो ये आप सबको वॉल देख पा रहे हैं, ये उदयपुर का प्रिंसेस यहाँ ओवर हो जाता था, इसके बाद पूरा जंगल होता था और हाँ आदिवासी वगैरह रहते अब भी शायद ये पूरे एरिया में, पीछे तक दूर दूर तक यहाँ सारे आदिवासी वगैरह ही रहते हैं। तो बस यही था बताने को, स्पेशली देखो जगह देख सकते हो डेंस फॉरेस्ट है बिल्कुल, बस हाँ वो किंग अटैचमेंट हो जाती है तो देखो दूर दूर तक अब फिर घर वगैरह आ चुके हैं फिलहाल तो। हाँ हाँ बाकी भी काफ़ी अच्छा रहा, हाइट पे ना काफ़ी लंबे मंदिर तो हम रोप पे शायद दिखाया था मैंने, सब देखो वो सारा और व्यू बहुत ऑसम है यार जेन्युइनली। तो गाइस मुझे आई फ्लू हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, इस आई में आई फ्लू स्टार्ट हो गया देखेंगे। और ऐसा कहते हैं कि व्यूअर्स के देखने से, व्यूअर्स के देखने से नहीं, देखने से देखने वालों को आई फ्लू हो जाता है होता है भाई, आप मेरे को देखने नहीं होता, आप मेरे को देख भाई, इसको वैसे कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, कैसे नहीं होता कैसे, टर्न अराउंड हो गया, हो गया हो गया हो गया हो गया, इसको आई फ्लू हो गया, ये देखो आई फ्लू हो गया, ओ ये तो राशि बन गया। ओके गाइस हमने मंदिर की यहाँ पे गाइस ये देखो जर्नी पूरी करी अपनी, अब रोपवे में जाएंगे, ये है ना ये जूते मेरे को ये गिफ्ट करे हैं, ये मेरा बैग है ये वो गिफ्ट किया है, ये मेरी शर्ट है गिफ्ट की हुई है, ये मेरे माँ बाप ने गिफ्ट किया। चलो ओके भाई था।
के कहता लादर जब मर्जी फेंट लिए असला हम भी रखते हैं। ये गाइस चुस्की ले रहे हैं, चुस्की कालू मुंह दिखा एक बार, दिखाना एक बार भाई, ये क्या बात हुई यार, मुंह दिखा, क्या कहता था मुंह नहीं खोल लेगा, ये क्या कर लिया तूने खोलने का। ये भाई ये जो है ना ये गुटखा आ जाए, ये गुटखा आ जाए, तू भी दिखा दे। सलाम भी रखते हैं बस यार। कट कुछ हुआ ही नहीं, दिखा मुंह दिखा एक बार, मुंह दिखा मेरे इधर से मोटे, अब खोल अब खोल, वो कर सकता है। निपुण की शर्ट पे एक चुम्मी दे दे, वाइट शर्ट है बिल्कुल। होट साफ दे, एक तो दे भी नहीं मैंने उसे खुद को। गाइस ये भाई वीआर खेल रहा है देखो, बाकी लोग मसाज करा रहे हैं। कितने आदमी थे सुअर के बच्चों? सरकार 3 और वो 2, फिर भी कुछ नहीं कर सके। तेरा क्या होगा रे काली, सरकार मैंने आपका नमक का तो अब कोहली का। बसंती वाला डायलॉग सुनिए बसंती, जब गब्बर सिंह कहते हैं कौन सी चक्की का आटा खाया बसंती, है कौन सी चक्की का आटा खाया, नाचो नाचो चमिया नाचो। तो धर्मेंद्र साहब उधर से बोलते हैं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना बसंती। तो बसंती बोलती मैं तो नाचूंगी, ये मेरे साथ बागबा में है, ये मेरे साथ सत्ते पे सत्ता में है। शत्रुघ्न सिन्हा का आवाज सुनिए साहब, जली को आग का तहा, बुझी को राख का तहा, जस बारूद से जो आग बने उसे विश्वनाथ कहते हैं, खामोश उल्लू के पट्टा। मोना डाली, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है, इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में एक शेर की होती है। रावण माइकल को बोलो हमारा हवाई जहाज तैयार रखे, कुछ ही देर में हिंदुस्तान की पुलिस हमें ढूंढती हुई आती ही होगी, हम मोना के साथ हिंदुस्तान से बाहर चले जाएंगे और हिंदुस्तान की पुलिस हमें ढूंढती रह जाएगी। तो ये 1.5 लाख रुपए के लेके चल रहे पीछे वाले, तो अभी तो कम थोड़ी है वाले। फिलहाल हम बाहुबली हिल्स आ चुके हैं, तो ये बाहुबली हिल्स इन ये जो दिख रही है ना आपको, इस हिल्स की वजह से नाम है इसका। बाकी पीछे वाले तो आ रहे सफेद 3 एक साथ आ रहे हैं, पता नहीं धीरे धीरे आ रहे हैं, बोले उन्होंने एक तो ना गूगल मैप कभी सही रास्ता नहीं दिखा के राजी भाई। तो फिलहाल कुछ दिख तो रहा है नहीं क्योंकि अंधेरा हो चुका है। तो हाँ ये बाहुबली हिल्स आ चुके हैं हम लोग, कि अब चलेंगे वापस नीचे, दिख नहीं रहा तो कुछ क्या फायदा रिकॉर्ड करने का। तो मिलते हैं नीचे गाड़ी पे चल के, और फोटोज़ भी तो मैं इसके बाद अटैच कर दूँगा अगर फोटोज़ फ़ोन से आ गई तो। तो ये सारे उतर रहे हैं नीचे, इट्स वे टूरिस्ट की, 3 भाई आगे 3 भाई पीछे, नहीं दिखाऊंगा टेंशन मत ले, पीछे देखना ही नहीं भाई, जिंदगी में आके देखना बस, देख सकते हो आप स्टीप अंधेरा वही कह रहा हूँ ना, साइड में झील तो सबसे बड़ा रिस्की है कि पैर फिसला तो सीधा झील में। बाकी हम किसी को रिकमेंड करेंगे रिस्क लेने के लिए, बिकॉज यहाँ पे पैंथर्स वगैरह है बोल रहे थे वो लोग, भालू वगैरह मैंने देखे थे कि है उदयपुर साइड ज़्यादा, तो यू नेवर नो कि कब क्या हो सकता है, बेशक से लोकल 10 बार गए, क्योंकि एक चीज़ नोटिस करी उन्होंने, वो फर्दर डिस्कस करते वैसे। चलो थोड़ी सी बता देता हूँ कि कुछ लोकल्स जो बिल्कुल प्रॉपर हैं कि ओल्ड सिटीज़ के हैं वो सही हैं,
जैसे लोग जो बाहर आके यहाँ पे बस गए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, वो तुम्हें गलत गाइड करेंगे, तुम सर बहुत मतलब गलत तरीके से बात करेंगे। तो ट्राई करो कि थोड़ा लोकल से ही बच के चलो, बाकी जो मेन सिटी है वहाँ कोई इशू नहीं है, पर हाँ बाहर बच के चलना चाहिए सबको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको बताने के लिए। फर्दर मैं घर जाके ये चीज़ डिस्कस ज़रूर करूँगा कि हाउ वाज़ द ट्रिप, एक एक्सपीरियंस दूँगा। तो